गिरराज प्रसाद सेवन प्रसाद, 7.6 के कंसेप्ट और एग्जांपल्स के साथ चलो तो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है 7.6 में जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ठीक है तो दो फंक्शन है एक एफ एक्स है एक जी एक्स है इन दोनों का प्रोडक्ट है इसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो ये फॉर्मूला है कि एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस एफडस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन ठीक है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं बोल सकते हैं द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ठीक डिफरेंशियल कोफिशेंट मतलब डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस मल्टीप्लाई का पूरा इंटीग्रेशन इसको थोड़े और ईजी तरीके से मैं बताता हूँ ठीक है चलो देखते हैं तो इस फॉर्मूला को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दो फंक्शन होंगे चलो एक को हम फर्स्ट नेम दे देते हैं एक को सेकंड और फर्स्ट इनटू सेकंड का हमको करना है इंटीग्रेशन तो कैसे करेंगे फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल सिंपल है फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर मल्टीप्लाई के बाद इस पूरे का दोबारा इंटीग्रेशन तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी है लर्न करना भी फर्स्ट सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन और इसका दोबारा से इंटीग्रेशन ठीक है तो बिल्कुल सिंपल है फॉर्मूला अब ये फर्स्ट किसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेंगे और सेकेंड फंक्शन किसको बोलेंगे ये डिपेंड करेगा फंक्शन पे तो एक ट्रिक है आई लेट आई मतलब मैं लेट मतलब लेट हो गया ठीक है तो ये ट्रिक है तो ये क्या बोलते हैं आई फोर होता है इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक है इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स लाइक दिस ठीक है अच्छा एल फोर लोग रिदिंग फंक्शंस लोग वाले जैसे हुआ लॉग एक्स है ना ऐसे अच्छा एल ए फोर एलजेब्रिक जेब्रिक फंक्शंस एलजेब्रिक फंक्शंस एलजेब्रिक फंक्शन में तुम्हारे पोलिनोम फंक्शन आ जाएंगे जैसे किसी पावर फाइव या एक्स स्क्वायर प्लस टू या फिर कॉन्स्टेंट हुआ जैसे टू या फिर वन ये सारे किस में आ जाएंगे एलजेब्रिक में t4 फोर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक लाइक साइन एक्स कोस एक्स टेन ठीक है, फोर एक्सपोनशियल एक्सपोनेंशियल, फोर एक्सपोनशियल लाइक ए की पावर एक्स ए e की पावर एक्स मतलब नीचे नंबर पावर में वेरिएबल हो ठीक है तो जो पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे ये काम करता है तो अगर हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा उसको फर्स्ट मान लेंगे और अगर ये नहीं दिखा ये लेगोदिक दिखा तो उसको फर्स्ट मान लेंगे एलजेब्रिक दिखा तो वो फर्स्ट की तरह काम करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा तो वो फर्स्ट की तरह लास्ट में बचता है एक्सपोनेंशियल तो अगर एक्सपोनेंशियल है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा फंक्शन इन ऊपर चारों में से कोई ना कोई होगा तो वो फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा चलो स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर सेवनटीन ठीक है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं ये सारे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है हमको x इंटू कोस एक्स का किसका करना है x इंटू कोस एक्सक्स का x इंटू कोस एक्स का तो आई लेट के अकॉर्डिंग आई इनवर्स टिग्नोमेट्रिक नहीं है एल फोर लोगिक नहीं है ए फोर एल्जेब्रिक तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड तो चलो भाई सोल्व कर लेते हैं फॉर्मूला क्या कहता है फर्स्ट सेम तो ये लो भाई मैंने फर्स्ट सेम कर दिया सेकेंड का इंटीग्रेशन कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में सही बात है क्या गलत कर दिया साइन एक्स होगा ठीक है चलो इसको पूरे को हटा के आराम से लिख देता हूँ एक्स मतलब फर्स्ट सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वन सेकेंड का इंटीग्रेशन जो कि होगा साइन एक्स और इसका दोबारा से इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ही जी है कोई है ना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे जो कि साइन एक्स बनेगा वन इंटू साइन एक्स साइन एक्स होता है अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स इंटू साइन एक्स माइनस और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कोस एक्स तो ये आ गया प्लस एक्स प्लस सी तो बिल्कुल ईजी है आई थिंक आपको आराम से अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर्मूला बस एक बार देख लेना अच्छे से क्या है फॉर्मूला फर्स्ट सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन का पूरे का फिर इंटीग्रेशन ठीक है ओके चलो फिर आगे देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 अब इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें तो एक ही फंक्शन है ना एक ही फंक्शन है इसमें तो लोग एक्स और लोग एक्स का इंटीग्रेशन वन बाई एक्स नहीं होता है ना सोच समझ के लोगेक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स होता है तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे यहाँ मैंने वन से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने बताया था अभी एल फंक्शन में आता है ये वन टू थ्री फोर जो भी कॉन्स्टेंट है हमारे और ये हो जाएगा उल्टा हो गया लॉग एक्स हो जाएगा फर्स्ट और जो वन होगा उसको मान लेंगे सेकेंड क्योंकि वो एल में आएगा तो आई फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर एल फोर लॉगरिथमिक तो ये आ गया हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड बस कुछ नहीं फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट सेम फर्स्ट सेम मतलब सेम में का इंटीग्रेशन जो कि होगा x, वो मैंने आगे लिख दिया है कोई इश्यू नहीं है माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन जो कि होगा वन बाई एक्स सेकेंड का इंटीग्रेशन जो कि होगा एक्स और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई के बाद तो देखो मल्टीप्लाई के बाद क्या बचेगा वन तो ये आया x इन टू क्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन और वन का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है एक्स प्लस में सी यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं तो बड़ा प्यारा सा आंसर आ चुका है एक्स लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी ठीक है चलो बिल्कुल लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइनटीन्थ क्वेश्चन चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को नाइनटीन्थ को तो वही ट कर लेते हैं पहले तो जो इंटीग्रेशन करना है उसका x एक्स e की पावर एक्स डी एक्स तो इनवर्स नहीं है लोग्रेडिक नहीं है ए फोर एल जेब्रिक है तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया तो क्या करेंगे फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन जो कि होगा वन सेकेंड का इंटीग्रेशन जो कि होगा e की पावर एक्स और इसका मल्टीप्लाई के बाद इंटीग्रेशन या फॉर्मूला जरूर लिख देना ठीक है तो ये आया एक्स टू ई की पावर x माइनस और वन टू ई की पावर x होगा e की पावर x और इसका फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस c e की पावर x कॉमन ले लो थोड़ा अच्छा सा दिखे तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा माइनस वन प्लस में c दैट इज आवर आंसर चलो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी पे चलते हैं ये थोड़ा सा आपको लग सकता है थोड़ा सा हार्ड तो इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं देखो साइन इनवर्स एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन नीचे दिख रहा है हमको और ये एक्स को तो चेंज कर देंगे ठीक है तो यहां पे लेट सब्सिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी तो जो हमारा इंटीग्रेशन था वो कुछ ऐसे बन चुका है ध्यान से देखो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी हाँ साइन इनवर्स एक्स तो बन गया टी क्योंकि उसको टी मान रखा है और ये अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये पूरा का पूरा, पूरा बन जाएगा डी टी एक चीज और बच गई क्या x अब इस x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन में x इक्वल टू आ गई हमारी वैल्यू साइन टी तो यहां पे आ गया टी इंटू साइन टी टी इंटू साइन टी ठीक है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमैट्रिक आईलेट लगाएंगे लगाएंगे इन्वर्स्ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है फिर लोग्रिड में नहीं है फिर एलजेब्रिक में ये आ गया और ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक में ठीक है तो फर्स्ट सेकंड से कर दो बस सिंपल सी बात है ये इंटीग्रेशन को लगा दी मैंने हटा देंगे चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो क्या करेंगे फर्स्ट सेम मतलब टी सेम और फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन सेंट का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोश टी तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया है फिर माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन वन होगा और सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी है ना और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन चलो तो भाई ये हो गया हमारा माइनस टी, कोस टी। प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ का इंटीग्रेशन होगा प्लस सी। बस यहां पे पहले टी की वैल्यू रख दो और सोल्व हो गया हमारा तो टी की वैल्यू क्या रखेंगे टी क्या था हमारा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी है ना तो टी की जगह रख देते हैं साइन इनवर्स एक्स तो ये आया माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी देखो ये साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ तो बचेगा ओनली एक्स एक यहाँ पे बचा माइनस का साइन इनवर्स एक्स और इसको सोल्व कर सकते हैं हम कोस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे मैं बताता हूँ कोस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इसको अपॉन वन लिख सकते हैं तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ट्रायंगल बना दो परपेंडिकुलर वन एक्स डाल दो और हाइपोटेनियस वन डाल दो तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बेस आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है अंदर इसको हम कोस में कैसे लिख सकते हैं कोस ऑफ कोस इनवर्स कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन कोस से कोस इनवर्स हट जाएगा क्या बचेगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये इस पूरे की वैल्यू आ गई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रख, इस बात की मतलब तो इस बात का आपको ध्यान रखना है प्लस सी तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ठीक है तो बिल्कुल इजी है ऐसा कुछ घबराने वाली बात है नहीं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो एग्जाम्पल में हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहे हैं सारे के सारे ठीक है तो यहाँ पे देखो i इक्वल टू ई की पावर x इन टू साइन एक्स है ई e की पावर x में साइन एक्स डी एक्स ठीक है भाई तो फर्स्ट कौन सा होगा ऑब्वियस सी बात है टिग्नोमेट्रिक और ये सबसे लास्ट में है एक्सपोनेंशियल तो फर्स्ट सेम मतलब कि साइन एक्स सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन जो कि सेम होगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का कोस एक्स और सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन अब ध्यान से देखो इसको फर्स्ट सेकेंड से दोबारा करना पड़ेगा वो भी ध्यान रखना है तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है तो ये आ गया आई इक्वल टू साइन एक्स इन टू की पावर एक्स माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं फर्स्ट सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन सेम ही आएगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा माइनस एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन और का दोबारा से इंटीग्रेशन ठीक है अब इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख देनी है क्योंकि आगे दोबारा आई तो तो e माना हुआ है तो यहां देखो पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स ये बन जाएगा हमारा आई तो ये बना आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ए टू दावर एक्स माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म भी माइनस और ये वाली भी माइनस तो सीधी में दोनों माइनस लिख देता हूँ कोस एक्स इंटू की पावर एक्स और इसको माइनस में लेंगे तो ये आई बन रहा है हमारा तो क्या बन जाएगा माइनस आई प्लस में सी आई आई उधर गया ये आई इधर आएगा प्लस में तो बन जाएगा टू आई इक्वल टू इन दोनों में से पावर एक्स कॉमन ले लो ई की पावर एक्स इंटू साइन e एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस में सी ये टू डिवाइड में भेज दो तो आई इक्वल टू आ गया ई e की पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स एक काम करो ये जो पहले वाला सी है इसको सी वन मानो और ये सी वन बाई टू आएगा उसको नया कॉन्स्टेंट मान लेना सी ठीक है सो दिस इज आवर आंसर तो एक नया फॉर्मूला और आ चुका है अभी हमारे पास e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स कहीं भी आपको दिखे मतलब अंदर एक फंक्शन दिखे उसका डिफ्रेंशिएशन दिखे बाहर e टू द पावर x दिखे तो हमारा आंसर होता है e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी ठीक है तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं अगर इस फॉर्मूला फॉर्मूला को प्रूफ करना चाहो तो क्या करोगे e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स अलग कर लो e टू द पावर एक्स इंटू एफ डे एक्स अलग कर लो फिर जो ये फर्स्ट वाला आएगा e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स इसमें फर्स्ट सेकेंड लगा देना सीधा प्रूफ हो जाएगा ठीक है चलो तो चलते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पे तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा e टू पावर एक्स अंदर है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ध्यान से देखो ये हमारा फंक्शन है ये उसका डिफ्रेंशिएशन है तो हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा टेन इनवर्स एक्स और जो इसका डिफ्रेंशिएशन है वो है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है तो यहां पे वो फॉर्मूला लग सकता है कौन सा फॉर्मूला e टू द पावर एक्स अंदर है हमारे पास फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन तो जो इसका आंसर होता है वो होता है e टू द पावर x इन जो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है प्लस c तो इसका जो हमारा आंसर आने वाला है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो आएगा i इक्वल टू ई टू द पावर x इन टू टेन इनवर्स एक्स है ना एफ एक्स हमारा क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस c दिस इज आवर फाइनल आंसर चलो इसके सेकेंड वाले पार्ट पे चलते हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये क्या है क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है तो इसमें क्या ट्रिक लगानी है हमको वही सेम लॉजिक बाहर भा, हमको e टू द पावर x दिख रहा है तो इसके दो पार्ट कर देने हैं जिसमें एक तो हमारा फंक्शन हो और दूसरा क्या हो उसका डिफ्रेंशिएशन हो तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो ये ई टू द पावर एक्स को मैं अलग लिख देता हूँ यहाँ जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है एक्स स्क्वायर प्लस वन तो मैंने माइनस वन कर दिया और प्लस वन कर दिया अपॉन में है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो अब मैं तितर बितर कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में ये और टू अपॉन में ये ठीक है तो हमारे पास आया ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में आ गया हमारा टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को अब इससे बहुत अच्छा फायदा हमको मिलने वाला है ई टू द पावर एक्स इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो क्या आया एक्स प्लस वन इन टू एक्स माइनस वन नीचे आ गया x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो यहां देखो एक एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा ई टू द पावर एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस में टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये फंक्शन है ये पूरी जितनी भी रामायण की है हमने ये प्लस वन माइनस वन करके तितर बितर करके और ये कैंसिल करके ये जो भी किया है हमने ये ओनली इसलिए किया है कि एक तो हमारा ये फंक्शन बन गया इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है चाहो तो चेक कर लो एफ एक्स है हमारा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इसका डिफ्रेंशिएशन करके देख लो तो यू अपॉन वी से होगा तो नीचे क्या आएगा वी का स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो यहाँ आएगा v सेम यानी कि x प्लस वन और u का डिफ्रेंशिएशन वन माइनस फिर u सेम और v का डिफ्रेंशिएशन वन सोल्व कर देंगे इसको तो ऊपर आया हमारा x प्लस वन और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर देखो x हो गया कैंसिल वन वन हो गया टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लग सकता है जो अभी ऊपर लिखा है तो ई e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है हमारा ई टू द पावर एक्स इन टू एफ एक्स एफ एक्स है हमारा यहाँ पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस में सी एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने किए हैं ऐसी ही लगातार वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक like कर दीजिए वीडियो को ठीक है सभी चैप्टर्स के मैं विद एग्जाम्पल और कंसेप्ट के साथ लेके आने वाला हूँ वीडियोज़ थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू